विकास मैथमेटिक वर्कबुक स्टैंडर्ड सेकंड चैप्टर नंबर 13 द लॉन्गेस्ट स्टेप अंडरस्टैंड। सबसे बड़ा कदम, तो यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस होता है, जो उसके बारे में सीखना है, जैसे कि यहाँ पहला दिया है फिंगर। जो फिंगर है, हमारी जितनी फिंगर होती है, जैसे कि 2 फिंगर 3 फिंगर, इतना डिस्टेंस होता है यहाँ से लेके वहाँ तक का, उसे 4 फिंगर कहते हैं। ये 3 फिंगर जितना है। उसके बाद है स्पैन, जैसे कि हम हमारे ऐसे हाथ फैलाते हैं, तो यहाँ हमारे थंब से लेके ये लिटल फिंगर तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसे स्पैन कहते हैं। जैसे कि 1 स्पैन एंड 2 स्पैन। उसके बाद दिया है आर्म, तो आर्म जब हमारा ये जो हैंड होता है, वहाँ के फिंगर से लेके एल्बो तक का जो डिस्टेंस है, उसे आर्म या क्यूबिट कहते हैं। उसके बाद दिया है फुट, तो फुट में ये हमारी जो हील है, वहाँ से लेके थंब तक का जो डिस्टेंस है, उसे फुट कहते हैं। एंड स्टेप यानी कदम, जब हम चलते हैं तो एक पैर का आगे वाले पैर के थंब से लेके पीछे वाले पैर के हील तक का जो डिस्टेंस है, उसे स्टेप कहते हैं। तो इस तरह जो डिस्टेंस है वो ऐसे तय होता है अलग अलग तरीकों से, फिंगर से भी तय होता है, स्पैन से तय होता है, आर्म से, फुट से और स्टेप से तय होता है। यहाँ पे एक स्केल दी है, तो ये जो डिस्टेंस है उसे हम इंच में और सेंटीमीटर में भी तय कर सकते हैं। जैसे कि हमारी स्पैन तो 30 सेंटीमीटर और 12 इंच से बड़ी है मेरी, आप चेक कर लेना कि आपकी स्पैन कितनी है स्केल के ऊपर रख के। उसके बाद फिंगर है, तो 1 फिंगर जो है वो कितनी है, तो 1 फिंगर 1 इंच जितनी है, और फिंगर जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, तो 1 फिंगर 3 सेंटीमीटर की है। इसी तरह सेंटीमीटर और इंच वगैरह में भी ये डिस्टेंस चेक होता है। यहाँ पहला दिया है द बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर, और लेंथ के अंदर जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है किलोमीटर, एंड स्मॉलर यूनिट इज सेंटीमीटर, और जो सबसे छोटा स्मॉलर यूनिट है वो जो है सेंटीमीटर, जो हमारे स्केल के ऊपर आता है वो। 1 मीटर कितना होता है, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर जितना होता है। ये हमारी छोटी स्केल जो होती है उसके ऊपर 30 सेंटीमीटर तक आता है, और इससे भी छोटी जो स्केल आती है उसमें तो सिर्फ 15 सेंटीमीटर आता है। तो ऐसे जो सेंटीमीटर है वो जब 100 होते हैं तो 1 मीटर कंप्लीट होता है, एंड जो मीटर जो है वो जब 1000 हो जाते हैं तो 1 किलोमीटर कंप्लीट होता है। इन शॉर्ट फॉर्म सेंटीमीटर इज रिटन एज cm, और जो सेंटीमीटर होता है उसे शॉर्ट में cm के तौर पे लिखते हैं, cm ही लिखते हैं, और मीटर जो है उसके लिए सिर्फ m ही लिखते हैं शॉर्ट में, एंड किलोमीटर को सिर्फ m लिखते हैं हम शॉर्ट में। उसके बाद अगला पेज है क्वेश्चन नंबर 1। राइट द अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट फॉर द फॉलोइंग थिंग्स, नीचे जो थिंग्स दी है उसके लिए अंदाजित नाप निकालना है। जैसे कि पहला दिया है हाउ मैनी स्पैन्स इज द लेंथ ऑफ द टेबल, तो टेबल की लेंथ कितनी होती है, कितने स्पैन की है। तो स्पैन हम ऐसे तय करते हैं, ऐसे करके ये हमारे थंब से लेके ये लिटल फिंगर तक का डिस्टेंस जो है, जैसे कि 1 स्पैन एंड 2 स्पैन, ऐसे करके। तो हम टेबल का स्पैन्स निकालेंगे कि टेबल कितनी स्पैन्स का है।
यहाँ जो टेबल दिया है हम उसका स्पैन निकालेंगे कि वो कितने स्पैन्स का है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4 स्पैन, 5 स्पैन, 6 स्पैन, 7 स्पैन, 8 स्पैन एंड 9 स्पैन। तो ये जो टेबल है वो 9 स्पैन का है। तो इस तरह अलग अलग तरीके से हम लेंथ वगैरह मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो हमने स्पैन्स देखा कि 9 स्पैन्स का टेबल है। उसके बाद ये आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, आपके स्पैन्स की साइज भी डिफरेंट आएगी। और अगर जो आप टेबल का लेंथ देख रहे हो वो टेबल के लेंथ भी अलग अलग हो सकती है, इसलिए आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। उसके बाद 2 नंबर में दिया है, हाउ मैनी स्पैन्स इज द विथ ऑफ द विंडो। विंडो जो है उसकी विथ कितने स्पैन की है। तो अब हम ये जो विंडो है उसकी चौड़ाई देखेंगे, उसकी विथ देखेंगे कि कितने स्पैन की है। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम, 1 स्पैन, 2 स्पैन, 3 स्पैन, 4 स्पैन, 5 स्पैन, 6 स्पैन, 7 स्पैन, 8 स्पैन एंड 9 स्पैन। तो इस तरह विंडो की विड्थ भी 9 स्पैन होती है। तो इस तरह स्पैन्स में यहाँ जो हमने विंडो, जिस विंडो का विड्थ निकाला वो भी 9 स्पैन्स है। आप अपने तरीके से किसी और विंडो के ऊपर अपने स्पैन से भी मेजरमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद दिया है, हाउ मैनी फिंगर्स इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल। पेंसिल की जो लंबाई है वो कितनी फिंगर्स की है वो हमें देखना है। तो आप भी अपनी फिंगर से पेंसिल की लेंथ कितने फिंगर्स होती है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि ये पेंसिल है वो कितने फिंगर की है, तो ये 4 फिंगर, 4 और 4, 8 एंड यहाँ से लेके यहाँ 3, 4, 4, 8 और 8 और 3, 11 फिंगर की ये पेंसिल्स है। तो यहाँ आएगा 11 फिंगर। आप अपने फिंगर से भी अपनी पेंसिल पे ट्राई कर सकते हो। इसी तरह अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मेजरमेंट निकालने हैं अलग अलग तरीक़ों से। यहाँ जैसे कि हाउ मैनी फिंगर्स इज द लेंथ ऑफ पेन। अब पेंसिल के बाद जो पेन है उसकी लेंथ हमें फिंगर कितने फिंगर जितनी है वो निकालनी है। उसके बाद है हाउ मैनी आर्म्स। आर्म्स तो आपको पता है, ब्लैक बोर्ड कितनी की लेंथ कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है वो आर्म के जरिए वो तो पता है। हमारी फिंगर से लेके एल्बो तक का डिस्टेंस जो होता है वो आर्म्स का होता है। तो इस तरह ये बाकी सब आपको बाकी सब चीज़ों के भी मेजरमेंट इस तरह निकालने हैं और खुद लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यह है 2 नंबर में, राइट बाय मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये जो स्केल दी है उसकी मदद से हमें सेंटीमीटर में लेंथ निकालनी है, मेजरमेंट निकालना है। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल के लिए दी है मैस्टिक। तो 1 मैस्टिक यहाँ 0 से लेके 4 सेंटीमीटर की है ये मैस्टिक। उसके बाद है लेंथ ऑफ अ पेन, पेन की लेंथ कितने सेंटीमीटर की है। तो यहाँ हम ये जो स्केल दी है उस पर ये पेन रख के तय करेंगे कि कितने सेंटीमीटर की है ये पेन। तो ये पेन जो है वो इस स्केल से भी यानी कि 15 सेंटीमीटर से बड़ी है। तो यहाँ आगे जो
15, और ये जो बचा बाकी बचा है हिस्सा उसे हम फिर से नापेंगे 3, 15 और 3, 18 सेंटीमीटर की है पैन। उसके बाद दिया है लेंथ ऑफ अ कैंडल, आप एक कैंडल लेना और उसको स्केल के ऊपर रख के देखना कि वो कितने सेंटीमीटर की है, और उसके बाद वो यहाँ लिखना है। उसके बाद है लेंथ ऑफ अ बुक, बुक की लेंथ भी कितनी सेंटीमीटर की है वो आपको स्केल रख के देखना है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन की लेंथ निकालनी है सेंटीमीटर में। उसके बाद बैट की लेंथ, स्तंभ की, और लास्ट में आपके कंपास बॉक्स की लेंथ आपको सेंटीमीटर में निकालनी है। तो ये सब आपको समझाने, जिस तरह समझाया है उसके मुताबिक खुद करना है।